गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिया स्क्रीन कॉरिडोर और मैं हूँ टिया। तो सबसे पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो आज मैं थोड़ा अपना गार्डन का अपडेट दे रही थी। हाँ, लोटस भी अच्छे से खिलने लगे हैं। मैंडविला आप देख सकते हैं, रेड कलर का चल रहा है। और ये अपराजिता देखिए कितना बड़ा वाइन हुआ है, और उसके साथ मेरा मधुमालती भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग पर है। देखिए अब इस तरफ आते हैं, ये पार्ट में मेरा ज़्यादातर फ्रूटिंग प्लांट्स है। ये देखिए नींबू कई सारे आए हुए हैं, नींबू के मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं। और ये हिबिस्कस का कलर देखिए, जस्ट एक और वहाँ पे है। साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिए, आसपास बहुत माइकिंग चल रहा है और लोगों के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और वहाँ देखिए मेलन कितने सारे एक साथ आए हुए और कितने बड़े हुए हैं। मैंगो भी 3 आए हुए थे लेकिन बारिश की वजह से सड़ गए वो। ये एरिया पूरा हिबिस्कस का है। ये एलमंडा का कलर देखिए कितना सुंदर है, एकदम अलग सा है। और ये वाला हिबिस्कस का साइज देखिए जरा कितना बड़ा है। ये एक्सोरा येलो वाले, ये पार्ट मेरा कई तरह के प्लांटों से भरा हुआ है, बिल्कुल जंगल जैसा। और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। ये शायद होवर्थिया है, ऐसा कुछ है, मैं नाम ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मैं लिख दूंगी आपको। ये एक प्लांट ये वाला, और कई सारे कलियाँ आए हुए हैं आप देख सकते हो। और ये दूसरा वाला, इसमें अभी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन इसमें स्टार्ट हो गया। कलर कितने वाइब्रेंट है। और ये मेरा येलो मैंडविला, ये कई सारे मेरे पास प्लांट्स हैं। और ये पर्पल मैंडविला देखिए, वहाँ और भी येलो। ये एरिया पूरा फूलों से भरा हुआ है, एक एक कॉर्नर बोगनविलिया। यहाँ एक और मैंडविला का कलर है। और ये टिकोमा प्लांट में ये फर्स्ट ब्लूमिंग स्टार्ट हुआ है, देखिए 3 गुच्छे आए हुए हैं। ये प्लांट तो बहुत बुशी है मेरा, लेकिन फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ अभी कुछ थोड़े थोड़े मोगरे खिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए ब्लू डेजी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कॉर्नर कुछ इस तरह से है, और इस तरफ तो पूरा जंगल ही हो गया है। बारिश के वजह से और भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है प्लांट्स में, तो ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स ही है, वेजिटेबल्स का ऐसा कुछ प्लांट नहीं है, फ्रूट्स है काफ़ी सारे। ये देखिए सूजन ब्लैक आई, ऊपर भी काफ़ी फ्रूटिंग फ्रूट्स के प्लांट है। ऊपर का मैं एक दिन अलग से दूंगी आपको वीडियो। ये कनेर देखिए
कितना सुंदर कलर है। ये हर रोज एक ना इक्का दुक्का करके होते ही रहते हैं। और ऊपर ड्राम स्टिक देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। ये कुछ नहीं, एक डंडा था मेरे पास, मैं मेरे मेड को बोली थी लाने के लिए, उसने ला के दिया था तो उसको मैंने लगा दिया। यहाँ एक है और यहाँ पे एक है, ये वाला बस डंडे से ही हो गया। मेरे ये कृष्ण का, इसको क्या बोलते हैं, गुलमोहर, गुलमोहर के प्लांट में काफ़ी सारे सीड्स आए हुए हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये वाले तो सूख भी गए हैं तो इनमें से नया प्लांट आ जाएगा। मेरे पास कई सीड अपने आप घिर के, कुछ अच्छे वाले प्लांट जो बहुत महंगे हैं उनके सीडलिंग्स सीड घिर के नए प्लांट हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मेरा चीकू बैठा हुआ है, मैं टेरेस पे आऊँगी तो उसको भी आना होता है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, ये वाला प्लांट देखिए, ये सीड से गिर कर आया हुआ है तो इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। वहाँ पे है मदर प्लांट, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये रहा मदर प्लांट। तो दोस्तों यही कुछ चल रहा है मेरे टेरेस गार्डन में, होप आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से एक बार इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद।